इस वक्त अभी खड़े हैं मुंगेर जिला के कर्णचौरा स्थित बिजली ऑफिस यहाँ एक्सिक्यूटिव इंजीनियर का यह कार्यालय है आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के या निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के संजय के श्रमिक प्रकोष्ठ के संजय केसरी यहाँ है पर हैं पिछले विगत दो तीन दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक निर्देशित किया गया था बिजली विभाग को कि चाइनीज मीटर प्रिपेड मीटर के जो आप लगवा रहे हैं उसके ऊपर एक उपभोक्ता फॉर्म निवारण फॉर्म का एक गठन करना है जो बिजली विभाग को अल्टीमेटम दो से तीन सप्ते में करके देना था उसी क्रम में यहाँ संजय केसरी के जी के द्वारा यहाँ विद्युत आरक्षण अभियंता के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जब तक इस गठन इसका गठन नहीं होता है तब तक आप बिजली मीटर वो जो भी मीटर है ये चाइनीज मीटर लगाने का कार्य बंद रखें साथ ही जितनी भी मुकदमा इस आंदोलन में किए गए हुए लोगों पर हुआ है उसको वापस लें इसी क्रम में हमारे बीच में यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और जुझारू खास तौर पे यहाँ से मेयर के प्रत्याशी हैं इस मेयर चुनाव में यहाँ के प्रत्याशी हैं हर गरीब गुरबे का जितना भी समस्या हो चाहे वो बिजली का हो चाहे जो भी तरह का जो सामाजिक समस्या होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा खासतौर पर जो आज इनका आंदोलन है चाहे बिजली ऑफिस का घेराव है और जो ज्ञापन देने आए हैं इस संदर्भ में अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखें बिहार में पूरे देश में सिर्फ बिहार में चाइनीज़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम चल रहा है हमने लगातार इसके खिलाफ़ आंदोलन किया तीव्र आंदोलन किया कि स्मार्ट प्रिपेड मीटर में बिजली उपभोक्ताओं का जमकर आर्थिक दोहन शोषण हो रहा है हमारे इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे इन भावनाओं से इत्तेफाक रखते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी बिहार सरकार और बिजली विभाग को यह निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के भीतर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन करें और माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करें। इसके अलावा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने भी चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं के शोषण को देखते हुए उपभोक्ताओं के हित में नया कानून बनाने का काम कर रहा है मैं श्रीमान विद्युत अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री माननीय विजेंद्र यादव जी को एक ज्ञापन भेजकर आगाह करना चाहता हूं कि जब तक विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन नहीं हो जाए जब तक बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के हित के लिए कानून नहीं बन जाए तब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम को स्थगित रखें इसके साथ साथ चूंकि हमारा आंदोलन जनहित के लिए था हमारे जिन भी कार्यकर्ताओं के ऊपर बिजली विभाग के द्वारा मुकदमा किया गया है आंदोलन के क्रम में उन मुकदमों को तत्काल वापस लें अगर बिजली विभाग और माननीय ऊर्जा मंत्री हमारी मांगों को मानते हैं तब तो हम उनका स्वागत करेंगे नहीं तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा स्थिति विस्फोटक हो चुकी है बिहार सरकार और बिजली विभाग विस्फोटक स्थिति को और विस्फोटक होने से बचाते हुए हमारी मांगों को मान ले मैं संजय केसरी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ बिहार चलिए इसी क्रम में यहाँ एक महिला नेत्री भी हैं इस आंदोलन की हिस्सा है मैं उनसे भी जाने का कोशिश करूंगा अजय बाबू आपसे आग्रह है कि आप आगे आ जाएं आप बताइए आज जो आज आंदोलन का रूप यहाँ जो आप अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देने आए हैं तो आपकी मांग क्या है सर्वप्रथम अपना नाम बताएं मेरा नाम संयुक्ता कुमारी है और हम लोग यही चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर ना लगाए इससे आर्थिक शोषण होता है गरीब को भी अब किसी के पास मोबाइल रिचार्ज नहीं है अति में तो कहाँ से वो कर पाएगा मोबाइल में तो ढेर कर पाता है प्रीपेड मीटर में कहाँ से चलिए आपकी है? मांगों को तो माननीय उच्च न्यायालय भी ने मान लिया है और सरकार ने इनको दिया ये हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के अंदर इसकी एक आप फॉर्म बनाकर हमें सूचित करें और जो भी समस्या है वो हम लोगों का जो फॉर्म जो गठन होगा उसके माध्यम से जनता की बातों को वहाँ रखा जाएगा अब इसी कार में यहाँ सोनी जी हैं नेत्री हैं यहाँ पर उनसे भी मैं चाहूँगा कि संक्षेप में थोड़ा कुछ दो लाइन बोले यहाँ जो भी हमारे बिहार में हो रहा है खासकर के मेरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह प्रीपेयर मेटर को लेकर मतलब हंगामा किया जा रहा है इसलिए कि आर्थिक स्थिति लोगों को बहुत ख़राब चली रही है कोरोना के दौरान से अभी तक मतलब जहाँ तक खराबी मतलब निकल रहा है आज की आपकी जो मांग है उसके बारे में आप बताएँ जो आपकी आज की मांग यही है ना कि आप जो है जब तक इस फॉर्म का गठन नहीं होता है तब तक चाइनीज मीटर को लगाना बंद करें और इस आंदोलन में जो पूर्व में किसी भी व्यक्ति पर जो आंदोलन में इसमें थे उस पर अगर एफ हुई है तो केस वापस लें यही मांगे ना आप चलिए इसी क्रम में हम बड़ी नेता अजय बाबू से जानने का प्रयास करेंगे संक्षेप में आप आज की मांगों को जो आप अधीक्षण अभियंता को देने जा रहे हैं उसके बारे में बता। आज की जो मांग है वो इस बात को कोई बोल नहीं रहे हैं लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये चाइनीज जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है तो सबसे पहले तो ये ध्यान भी रखना चाहिए कि ये दुश्मन राष्ट्र का बना हुआ है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी और वो सबल होता जाएगा दूसरी तरफ बात है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और ये राज्य हमारा है और हमारे राज्य में हमारी भावना के विपरीत हमको शोषण करने की प्रवृत्ति से यदि ये होता है तो बहुत बड़ा ये जालिमगिरी है ये बर्दाश्त जनता नहीं करेगी जनता की संचेतना लौट रही है और जनता इसका विरोध करेगी कि हमारे स्थिति को देखते हुए हमारे मांग को देखते हुए यदि हमारी नाजायज मांग है तो आप नहीं मानिए लेकिन यदि जायज़ मांग है जो स्मार्ट प्री पेड और जबकि माननीय उच्च न्यायालय का कुछ निर्देश है उस पर अमल कर अभी स्थगित रखें और चाइनीज प्रीपेड मीटर जो लगाने का कार्यक्रम जो कार्य आपका चल रहा है उसको बंद करें इतनी ही बात मैं कहना चाहता चलिए धन्यवाद